विचार करती हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे धनुष को नहीं तोड़ पाए। ये राजकुमार, अरे अयोध्या के साथ इतने दिनों से हमारे संबंध नहीं थे, बाबा विश्वामित्र जी वहां आते जाते नहीं थे, अब वो गए हैं, संबंध शुरू हुआ है, और प्रारंभ में ही चक्रवर्ती के ये राजकुमार धनुष के पास आ गए। कोई समझाता क्यों नहीं, कोई मना क्यों नहीं करता, इतना कठोर धनुष रावण बाणासुर भी नहीं उठा सके, कोई समझाओ। जनक जी शांत बैठे हैं, पूरे जनकपुर के नरनारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी जब धनुष के पास आए तो नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सबने अपने अपने कुल के इष्टों को, देवताओं को और अपने पुण्यों को याद किया कि मेरे पुण्य हो तो राघव इस धनुष को तोड़ दें। सब अपने पुण्य अर्पण कर रहे हैं, देवताओं को मना रहे हैं। उसी समय सीताजू ने देखा, खड़े क्यों हैं, तोड़ते क्यों नहीं, क्यों नहीं हाथ बढ़ाते। सीता जी विह्वल होती हैं, गौरी को याद करती, मां तू ने कहा था सांवरा मिलेगा, अब क्यों कृपा नहीं करती। भोले बाबा को याद करती है, हे महादेव आपका धनुष है, आप ठाकुर उसको तोड़े, राम जी तोड़े तो इसको हल्का कर देना। गणेश जी को प्रार्थना करती है, हे गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनी तू सेवा, मैंने आज के लिए तेरी सेवा की है। राघव जब धनुष को छुए, प्रभु जब धनुष को उठाए तो इस धनुष को तुम हल्का कर देना। मानो सीता को लग रहा है किसको मनाऊं किसको कहूं, तो माँ वैदे ही विचार करती हैं कि धनुष में भी तो ईश्वर है, इसलिए धनुष को ही निवेदन किया, हे धनुष देव राघव जब आपको, प्रभु जब आपको उठाए छुए आप हल्के हो जाना। तो धनुष ने मन ही मन कहा, बेटी प्रभु मेरा स्पर्श करेंगे मैं हल्का तो हो सकता हूं, परंतु मुझमें जो राजे महाराजाओं ने अभिमानियों ने छुआ है, तो एक तो मैं स्वयं अभिमान का धनुष, दूसरे घमंडी अभिमानी लोग मुझे और छू गए, तो उनके छूने से मेरा वजन और बढ़ गया है, अब ये मेरा भार में ले कहां जाऊं, मेरा वजन किस पर डालूं। तब सियाजू कहती है, धनुष देवता वो उपाय मैं आपको कहती हूं। तब धरती की पुत्री ने वो उपाय कहा, निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही हारुआ रघुपति ही निहारी, निज जड़ता, आपकी जो जड़ता है आपका जो भार है, ये यहाँ जितने राजे महाराजे बैठे हैं इन सब में पांच पांच क्विंटल डाल दो, ताकि जब धनुष टूटे तो कोई हिल ना सके, सब बैठे रहे जहां तक। और भगवान राम ने सीता जी की ओर एक बार देखा, जब नेत्र उठाकर देखा तो सीता जी विह्वल है, विकल है, सोचती है धनुष तोड़ते क्यों नहीं, सोचा अब देर करना ठीक नहीं। जब जीवन ही न रहा जग में तब आकर दर्श दिखाया तो क्या, धान की खेती सूख गई तो पानी बरसा उसका क्या उपयोग। राम जी समझ गए कि अब देर करना ठीक नहीं है, उसी समय गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाए धनुष जी।
की भांति आकाश में लकीरें छप गई। ले तो चढ़ा तोड़ा है, मध्य से धनुष को तोड़ा है और दो भाग करके गिरा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जय जयकार होने लगी, जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी, फूलों की वृष्टि होने लगी भगवान राम के ऊपर, आकाश में देवता प्रभु श्री राम पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। उसी समय बहुत आनंद हुआ है, सीता जी की मां को सखिन सहित हर सी अति रानी सुखत दान पराजन पानी। दूसरा आनंद मिला है महाराज जनक को, जनक लहे वो सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पा। और तीसरा सीय सुख ही, सीता जी के सुख का तो कौन वर्णन करे, बाबा कहते हैं सीय सुख ही बरनिया के ही भांति, अरु जनु चात की पाई जनु स्वा। राम ही लखन बिलोकत कैसे सस ही चकोर किशोर कुजे,
अपनी धनुष बाण लिए सचेत प्रभु श्री राम की ओर देख रहे हैं। सावधान, कोई राजा महाराजा आगे न बढ़ जाए। चंद्रमा को जैसे चकोर देखे ऐसे लखन मेरे बड़े भाई को निहार रहे हैं। और उसी समय सखियां सियाजी को कहती हैं, माला पहनाओ। धीरे धीरे सखियों के साथ मंगल गान करते करते राम जी के पास में, राघव जी के पास में सियाजी आई हैं। वही चतुर सखी जिसने राम जी का दर्शन कराया था, वही कह रही हैं, चतुर सखी पहिरावो जय माल सुहाई राम सिया राम। चतुर सखी लख कहा लेकर राम जी को लोभ से पहना रहे हैं। राम चंद्र हैं, चंद्रमा में अमृत होता है और अमृत के लोभ से ये कमल रामचंद्र को माला पहना रहे हैं। सोहत जनु जुग जल जसनाला राम सिया राम ससी सभे सुनाते हैं कि सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। और सखियां राम जी को कहती हैं कि जो कि जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जो कि जइयो तनिक रघुबीर सियाजू मोरी छोटी। राम जी तो रघुवंशी हैं, रघुवंशी झुकता नहीं, झुकता है सील से स्वभाव से, परंतु ऐसे स्त्रियों के आगे सिर नहीं झुका कर खड़ा होता, झुक नहीं रहे। और ये बहुत देर हो जाते हैं, राम जी भी सीधे खड़े हैं, सीता जी हाथ उठाती हैं और माला पहुंचती नहीं। तब सियाजू ने एक बार लक्ष्मण को, लखन भाई तेरी जरूरत है, देवर तेरी जरूरत है। और लक्ष्मण को देखते ही आहा, फिर कुछ कहना ही नहीं पड़ा, दौड़े दौड़े लखन आए, प्रभु के पैर में गिरे, चरण में गिरे। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण को उठाने को झुकते हैं, उसी समय सियाजी राम जी के कंठ में माला पहना दे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय जय सिया राम, जय जय
रही है, सखियां गीत गा ही रही थी, उसी समय सखियों ने कहा पैर छुओ, तो सीता जी डर के कारण पैर नहीं छू रही हैं। सिया जी सोचती हैं, चरण में तो सुनते हैं कुछ जड़ी बूटी है, पैर छूने से पत्थर स्त्री बन गया था, और मैं छूं तो मैं तो पत्थर नहीं, मैं तो बहुत कोमल हूं, मेरा भी कुछ और बन गया तो मुश्किल होगी। इसलिए गौतम दिय गति सुरत करे, नहीं परसत भगवानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गोस्वामी जी यहां प्रसंग परिवर्तन करते हैं। हुआ था ऐसा, धनुष तोड़ने के बाद जब सीता जी ने माला पहनाई, तब जितने राजे महाराजे थे सब बलवा बोलने लगे, उठकर खड़े हो गए। अरे बोले, धनुष तोड़ लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, हम छीन लेंगे सीता को, पकड़ लो, जो विदेह राज मदद करें तो उनको बंदी बना लो। लोग बलवा बोलने लगे, तब लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके, सावधान चितवत नपन सको, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो, लखन एकदम भैया की सुरक्षा। उसी समय गोस्वामी जी को लगा कि युद्ध का वातावरण बदल दूं, क्योंकि सब तो खड़े हो रहे थे। तब परशुराम जी को ले आते हैं। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण में परशुराम जी मार्ग में मिलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा जितने विघ्न होने हों विवाह से पहले आ जाएं, विवाह के बाद कोई विघ्न न रहे, इसीलिए ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आये भृगु कुल कमल देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने, बाज झपट जनु लवा। बाज जब झपटता है तो कबूतर जहां तहां छिप जाते हैं। शिव के धनुष की भंग की ध्वनि को सुनकर भगवान परशुराम आए। परशुराम जी का राम कथा में प्रवेश। बोलिए परशुराम भगवान की जय। एक अंशावतार एक पूर्णावतार का जब आमना सामना हुआ जनकपुर में, तब क्या वातावरण था मेरे भाई बहन। परशुराम जी आए हैं ये सुनकर सब राजे महाराजे डर गए। पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब भगवान परशुराम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज आप हमारे यहाँ आए थे, हमारे दादा ने आपको स्वागत किया था, हम उनके पौत्र हैं, हमारे पिताजी ने आपको प्रणाम किया था, आदर किया था, आप हमें आशीर्वाद दिए थे तब मैं छोटा था, महाराज प्रणाम। सब अपने पूर्वजों का परिचय दे दे करके परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, और परशुराम जी किसी को देखते ही नहीं, और जिसको देखते हैं उसको लगे कि अब बस बात खत्म है, ठीक से देख लिया मानो अब मरे। गौर वर्ण सफेद दाढ़ी, सिर पर जटाएं, दो तूणीर कसे हुए हैं, धनुष और फरसा उठाए हुए हैं, महान उग्र वेश परशुराम जी का। एकदम सभा में प्रवेश कर आए। जनक जी दौड़े दौड़े आए, मिले सीता जी को, बुलाया, प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए, लखन राम लखन प्रणाम करो प्रणाम करो, राम लक्ष्मण से प्रणाम करवाया।
राम ही चितई। राम जी को देखा तो थोड़ी आंखें लाल थी ना, क्रोध में थे, तो राम जी को देखा, राम ही चितई रहे थकिलो चन। थोड़ी देर के लिए तो भीतर से लगा के यार प्रेम क्यों उमड़ रहा है इसको देखकर, प्रभु श्री राम को देखकर प्रेम उमड़ने लगा। लेकिन रूप अपार मार मर मोचन, इतना रूप, अंशावतार, कुछ अंश अवतार होते हैं, कुछ अंशांश अवतार होते हैं, कुछ पूर्णावतार होते हैं, कुछ आवेश अवतार होते हैं। परशुराम जी भगवान का आवेश अवतार है, राम जी पूर्णावतार है, नरसिंह पूर्णावतार है, श्री कृष्ण भगवान परिपूर्ण तमावतार है। आमना सामना रूप देख करके लगा तो कि कुछ है, कोई है वंदनीय, लेकिन चेहरा हटा लिया क्रोध के कारण और धनुष की ओर देख करके बोले, बोले चितई धनुष की ओर। धनुष को देख करके बोले, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। ए जड़ जनक, ये धनुष तोड़ा किसने, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू। जिस किसी ने धनुष को तोड़ा है मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो, यदि जनक तुमने ऐसा नहीं किया तो उलटाऊं मही जहां लगी तब राजू। जितने में तुम्हारा राज्य है वो सारी धरती उलट के उल्टी रख दूंगा। अब तो जनक जी भयभीत हो गए, क्या जवाब दे, किसने धनुष को तोड़ा मेरे सामने ला करके खड़ा करो, अगर जल्दी नहीं आया वो धनुष तोड़ने वाला तो नत मारे जय हैं सब राजा। अब बेचारे सब राजे महाराजे डर गए कि भैया धनुष भी टूटा नहीं, खाने पीने को भी मिला नहीं, माला भी अपने गले में नहीं पड़ी, ये मौत की माला आ पड़ी है, अब इसे तो लेना ही पड़ेगा, अब बाबा के सामने भाग के भी नहीं जा सकते। सब परशुराम के स्वभाव को जानते थे, इनके सामने भागे तो मरे समझो कि मार ही देंगे बाबा, अब क्या करें। कुछ सोचने लगे कि निकल गए होते तो अब तक आधी दूर चले जाते, काहे को बलवा में बैठे रहे। सब शांत, उसी समय भगवान राम को लगा कि सब डर रहे हैं, मैं कुछ बोलूं, तो भगवान खड़े हुए, आगे बढ़े, सिर झुकाया और बहुत शालीनता, पहले रूप दिखाया था अब सील दिखा रहे, रूप देखकर तो वो पहचान नहीं सके, अब सील का परिचय दिया। नाथ संभूधनु भंजनी हारा हो ही के एक दास। ये ना बाबा जी क्या आज्ञा है, कोई आपका दास ही होगा जिसने धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला दास नहीं शत्रु है, अरि की करने की है जिसने धनुष को तोड़ा है। राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्रबाहु के समान शत्रु है।